एक और बात याद दिलानी है, आपकी शादी राघव जी के साथ कब हुई थी? जब वो बेहोश थे। पर घर वालों के सामने आपके पूरे राधे साबित नहीं करते। रंग की पत्ती है फिर उसका सबूत है हमारे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मिश्री ने पैसे दिए थे। देखिए मिश्री को, मिश्री ने पैसे दिए थे। किसने दिए थे पैसे? इन्होंने पैसे दिए और कहा कि सारा इल्जाम आप पे लगा दें। हम झूठ नहीं सच बोल रहे हैं। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे ये झूठ बोलने के लिए। थैंक यू सो मच, आपको बर्बाद होगी मुश्किल। सब जानते हैं कि ये सब आपका किया धरा है। राघव जी पर हर हमला, हर खतरा आपकी देन है। सब जानते हैं कि सब आपने किया है। हमने आपकी और आपकी मम्मी के बीच सारी बात सुन ली थी कल, पर आज नहीं तो कल हम आपका सब सबके सामने ला कर ही रहेंगे। मैं देवी माँ, देवी माँ की कसम। ये है तेरी औकात, मेरे बाल्टी और मेरे पोछ। बाल्टी अपने आंसू से भर और इस पोछे से अपना मुंह साफ, ताकि तू कभी ना भूल पाए कि इस घर में और राघव की जिंदगी में तेरी जगह बस एक नौकरानी की। नौकरानी की तो नहीं है हम, इस घर की। न राघव जी, हमारा दर्जा तो बहुत ऊंचा है, आपसे भी ऊंचा है। राघव जी तो बस आपसे प्यार करने का दम है, पर हमारे मांग में तो राघव जी ने सिंदूर। हम इस घर की बहू है, राघव जी की पत्नी। मत कैसे इतनी बड़ी बात कहने की, हाँ जबान खींच लूंगी मैं। राघव की पत्नी मैं हूँ, सुना तूने? पत्नी नहीं, दूसरी पत्नी है आप। पर कानून और समाज की नजर में पहली पत्नी के दूसरी पत्नी का ना तो कोई दर्जा होता है ना तो कोई अधिकार। तेरी इतनी हिम्मत? इस बार हम थप्पड़ नहीं,